عبادي الذي ربي والأحد. हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे ब्लॉग. ऐसे ब्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फलक ब्लॉग्स. और अभी आज है जुमे का दिन. जुमे का दिन है तो अभी बज रहा है एक, बजने वाला है, मतलब नमाज एक बजे होती तो हम यहाँ से घर से अब निकलेंगे. अभी मैंने जस्ट जुमे वाले दिन सूर्य कहाफ और सूर्य जुमा ये सब पढ़ा जाता है हमारे यहाँ कुरान में. छोटी छोटी सूर्य और आयतें हैं तो वो सब पढ़ी जाती हैं, तो वही पढ़ रहे थे. वो हो गया है, अब चल रहे हैं नमाज़ पढ़ने. नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं. देखते रहिए, मतलब अब जाना है वो कन्फर्म है, लेकिन देखते रहिए. जा रहे अम्मे. अरे जा तो रहे हैं, लेकिन ये टी शर्ट तो चेंज कर लें, शर्ट पहन लें. तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों फुल शर्ट पहनी. जिन लोगों को भाई नहीं पता है, होता ये है कि जब नमाज हम लोग पढ़ते हैं ना तो भाई पूरा कवर्ड होते हैं, हाथ पूरे कवर्ड, नीचे पूरा कवर्ड. और वैसे तो भी हम लोग क्या शॉर्ट वॉर्ट पहनी नहीं जाती. हम लोग क्या मना ही होता है शॉर्ट पहनना. घर में भी घुटने के ऊपर के कपड़े पहनना मना होता है. मना क्या होता है, मतलब एक बात बता रहे हैं कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि घर में औरतें भी होती हैं, माँ होती है, बहन होती हैं, सब होती हैं. तो ऐसे सबके सामने नहीं, लड़कों को नहीं करना चाहिए वो वाली चीज़. और टोपी, टोपी का सीज़न, टोपी का मैं नमाज़ पढ़ के बताता हूँ आपको. तो भाई अभी आ चुके हैं पीयूष के घर पर. हाँ क्या हुआ? तो अभी आ चुके हैं पीयूष के घर पे और क्या नाम है, इसको लेते हैं फिर यहाँ से चलते हैं अभी नानी घर. बड़ी नानी घर चलना है, नाना घर. वहाँ कुछ सामान है वो ले लेते हैं, मतलब कुछ खाने की चीज़ है वो ले लेते हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे आशियाना. पापा का फ़ोन उठाएंगे तो अब जाके मैं मतलब फ्री हुआ हूँ. तो अभी अच्छा खासा रात हो चुकी है भाई, शाम का वक्त है, 7:30 बज रहा होगा. मैं लमसम जी तुमको कुछ तो नहीं भाई. भाई अभी आ गए हैं हम लोग आशियाना और है, अभी चल रहे फोन लेने. और बारिश शुरू हो चुकी है बहुत ज्यादा, तेज ना होने लगे बस. बारिश तेज हो गई भाई, तेज हो गई भाई. देख सकते हैं बारिश बहुत तेज हो चुकी है. और हम लोग अब यहाँ पेट्रोल पंप पे आगे खड़े हो गए, सब लोग आगे ऐसे खड़े हो गए. और ये भाई साहब देखिए पूरा मुंह एकदम पसीना पसीना हो गया. और बताइए सब बढ़िया है? और लीची खाए जाना रहता है हम लोग, लीची लगा लिया, लीची खाते हैं. और बताइए चलो यार, बारिश तेज हो गई यार, बहुत तेज हो गई है. ये देखिए सेल्फी खींच रहे हैं, स्नैप बना रहे हैं. पागल आ गया राज, एकदम यार एकदम टैक्सी आ गया था यार. बहुत अच्छे खासी हो गई अब. अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई. तो भाई किसी तरीके से होके तो इधर आ गए कि पानी अभी भी बरस रहा है. आप लोग दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा पता नहीं, लेकिन पानी अभी भी बरस रहा है. और ये यहाँ आके हम लीची खा रहे हैं. भैया वहाँ पर बैठ के बना रहे हैं फ़ोन, फोन बन जाए फिर यहीं से लेके देंगे कर लेंगे. 5 मिनट काम है, स्पीकर चेंज हो रहा है बस. तो चलिए हम तब तक लीची खाते हैं. तो इधर आ चुके हैं और ये क्या बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे तुम. तो अभी आए भाई टी टाइम पे फिट कोल्ड कॉफ़ी पीने. और यहाँ पे एक आज हम लोगों ने सोया चाय भी ऑर्डर कर दिया. सोचा भाई हेल्दी चीज़, मतलब उसमें लेकिन आप फालतू की चीज़ ना डलवाएं तो वो हेल्दी चीज़ है. बाकी तो मतलब क्रीम जितना खाएंगे वो फैटी है. और ये है मतलब टी टाइम, और यहाँ पे हम लोग आए कोल्ड कॉफ़ी के लिए. कोल्ड कॉफ़ी आ गई भाई, ले लो पी लो. हमारी आ रही है बड़ी जल्दी लिया यार. चलो कैसी लगी? अच्छी है. हो गया भाई यहाँ का, कॉफ़ी खा लिए, कॉफ़ी पी लिया सॉरी, और बगल में थोड़ा बहुत स्टार्टर खा लिया. और अब निकल रहे हैं यहाँ. हाँ भैया लीची अभी बहुत फेंक के मारा था मैं. चलिए अब चलते हैं घर. और बीच में एक स्टॉपेज और होगा, थोड़ा काम है उसके बाद. चल सब लीगल हो गया है भाई. क्या हाल चाल है महादेव वाले? तो अभी आ चुके हैं भाई इनके घर वापस, सारा सामान वामान लेके, यासी यासी करके, सब कुछ करके. और ये भी हमारा वेट कर रहे थे, ये तो हमारा वेट करते ही हैं. इनका भी वही स्पीशीज है. अब भाई का बर्थडे आ रहा है, भाई भाई का बर्थडे आ रहा है. भाई जिन लोग को आना हो 3 तारीख को चांसलर क्लब पहुंच जाइएगा, शाम के 9 बजे से पार्टी शुरू है. चांसलर क्लब में दे ही नहीं रहे भाई. अरे बताने तो दो, वो लोग वहाँ पहुँचेंगे ना, हम लोग कहीं और जाएंगे. मतलब वहीं आसपास ही है तो वहीं चलना, खूब मज़े करेंगे. आंटियाँ देख रही हैं हम लोग को. चलो अब यहाँ से अंधेरा आ जाएगा, चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा. चेहरा वैसे भी नहीं अच्छा लगता. यही होता है ना कि हम इसीलिए टाइम लेके इनके आते हैं पहले, क्योंकि जब आते हैं तो भी इनको टाइम चाहिए और जब जाते हैं तब भी इनको टाइम चाहिए.
मतलब एकदम गर्लफ्रेंड हो गई है हमारी है। और बहुत टहल के आते हैं, सब लीगल हो गया है। सब लीगल हो गया। तो ये गाइस आज का दिन है संडे और करीब फ्राइडे के बाद से मैंने कोई व्लॉगिंग वॉगिंग नहीं करी, कुछ वैसा टाइप का था भी नहीं और मिल नहीं रहा था और वैसे भी व्यूज़ कम आ रहे थे, मेरा और दिमाग चल रहा था कुछ अच्छा निकालूं कुछ अच्छा निकालूं, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो आज मैं वही बात करने आया था कि मतलब मैं सोच रहा था कि डेली लाइफ व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ, वाला सीन मतलब लग रहा था मुझे कि डेली लाइफ कर तो रहा हूँ। देखो अब मेरे पास जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, डेली लाइफ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे ब्लॉगिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, लेकिन उसके लिए ना आप लोग को कुछ अच्छा देखना होता है। कब तक मैं घर का दिखाता रहूँगा, वही बाहर जाके थोड़ा बहुत दिखाता रहूँगा, उसमें आप लोग को उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अगर बोलिए तो डेली लाइफ कंटिन्यू करूँ, अगर नहीं डेली लाइफ अच्छा लग रहा है कि आप लोग चाह रहे कोई कंटेंट अच्छा मिले तो कभी कभार कोई अच्छी से कंटेंट निकाल के मैं आप लोग के लिए आऊँ, वो एक अलग चीज़ होगी और ये एक अलग चीज़ होगी। तो वही है, अब आप लोग बताइए जैसा सही लगे। मैं तो डेली लाइव करने में मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही कि व्यूज़ प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को पसंद नहीं आएगा और दिन पर दिन व्यूज़ कम होते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने कॉलेज वाला जो बनाया था ग्रेजुएशन वाला, देखिए वो कितना अच्छा गया, लोगों को पसंद आया, 600 समथिंग पार हो चुका है वो, तो ठीक है। मतलब काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो उठी तो अच्छा भी लगा। तो अगर ऐसे कुछ कंटेंट चाहिए तो ठीक है, अगर ऐसे कंटेंट नहीं चाहिए और डेली लाइफ में करता रहूँ तो आप बता दीजिए। तो यही मैंने कहा कि अब पूछ लेता हूँ भाई आप ही लोगों से, क्योंकि आप लोग देखते हो, कितने लोग हैं जो मेरे देखते हैं भाई, क्योंकि उनको अच्छा लगता है और बढ़िया है। मतलब है कुछ लोग जो इनको पसंद आता है कि मैं रोज़ बनाता हूँ, उनको अच्छा भी लगता है, डेली लाइफ बहुत अच्छी लगती है लोगों। लेकिन वही है ना कि कुछ लोग जो हैं वो मेरे अपने हैं और कुछ लोग जो हैं वो बाहर के हैं, वो भी मैं मानता हूँ। तो ये भी मैं समझ रहा हूँ कि अब मैं 1000 के करीब पहुँच चुका हूँ तो इतने लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर आगे और देखेंगे और देखेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता ना कि लोग बोर हो जाएं, क्योंकि कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोग को मज़ा दिलाने के लिए, और बोरियत वाले अगर आपको कंटेंट मिलेंगे तो आप लोग भी मज़ा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कंटेंट कुछ निकालूँ, कि डेली लाइफ अभी करूँ, डेली लाइफ आगे चल के मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ जब मेरे पास गैदरिंग हो, आप लोग का सपोर्ट हो। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि डेली लाइफ अभी मैं करूँगा ना तो फिर आप लोग को उतना मज़ा नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना कुछ शो करने के लिए नहीं है। रोज़ मैं फ़ोन नहीं खरीद सकता, रोज़ मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जा सकता, तो ये सब थोड़ा इशू आता है। तो जैसा आप लोग कहिए भाई वैसा कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। और आज संडे है, आज आया हुआ हूँ, अब देखो कहीं अगर जाना वाना होगा तो आज का व्लॉग दूसरा बनेगा, बाकी ये व्लॉग दूसरा है। तो बताइएगा आप लोग जैसा लगेगा, अगर आप डेली लाइफ चाहते हो तो डेली लाइफ करूँगा, अगर आप अच्छा कंटेंट चाहते हो कुछ निकालूँ, एक दो दिन में निकालूँ, तीन दिन में निकालूँ, वो भी बता दिए तो भी चलेगा।